आपने सुना ही होगा कि रवि यादव ने राजीनामा दे दिया। अब तो बस एक ही काम बाकी है, मेरा और इंदु की शादी का मुहूर्त निकलवाना। चलो इस बात को मानता हूँ कि तुमने उसे कन्विंस करके राजीनामा ले लिया, पर एमएलए बनने के लिए तुम्हें लाखों वोट चाहिए। कौन दिलवाएगा वोट? हम दिलवाऊंगा आपको वोट। सर, उसका राजीनामा सुनते ही हम अन्न दान किए, रक्त दान किए। आप कहोगे तो हम प्राण दान करने के लिए भी तैयार हूँ। उसने राजीनामा दिया, इसमें आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? हम राजकुमार हूँ, रवि यादव का एक्स पीए। मतलब आप बहुत हर्ट हैं। आइए ना सर, बताता हूँ। आप परेशान मत होइए सर, रहने के लिए अपना घर दे दूंगा, अपना शरीर को बेचकर आपको एमएलए बनाऊंगा। राज भाई, आज के जमाने में लोग इस तरह से पानी लेकर जा रहे हैं? सर, बारिश में नदी में पानी तो भरता है लेकिन घर में नहीं आता। ए, चलो 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 बैठो। हाँ, आराम से। राज भाई, हाँ? यहाँ स्कूल ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्कूल में बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं है। ये लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ स्कूल नहीं है? होते हुए भी यहाँ के लोग पैसों के लिए बच्चों को काम पर भेजते हैं। इन गरीबों की भूख से ही रवि यादव का बिजनेस चलता है यहाँ पर। सर, इस तरह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके बारे में बाद में सोचिएगा, अभी अपना लव मैटर का सोचिए। कल है नॉमिनेशन है, बहुत काम है अभी। धन्यवाद सर। रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद। हम लेकर आपका असली लीडर, इकलौता आपका असली नेता, इनको देखिए, ये है। सुनो, कैमरा यहाँ घुमाओ। आप देख ही रहे होंगे, पहली बार विपक्ष में कोई भारी तरीके से नॉमिनेशन के लिए आ रहा है, ऐसे में उसकी स्टैमिना क्या होगी आप खुद ही देख लीजिए। और भाई सुरेश, हाँ, सब ठीक? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा राधा, क्या पूछना है बोलो। सर, सोचा था आप कार या वैनिटी से आएंगे, लेकिन आप इतने सिंपल हैं कि रिक्शे से चले आए। राधा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ऐश और आराम के लिए नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जनता को सही राह दिखा सकूं, और यही मेरा संकल्प है। अगर खून बहे तो कांटा निकालूंगा, अगर चोट लगे तो पत्थर हटा लूंगा, अगर बारिश हुई तो भीग जाऊंगा, लेकिन वो महंगी कार में घूमता है क्योंकि उसका टारगेट है पैसा और मेरा जनता। आप बात बात पर जनता की बात करें, लेकिन आपके पीछे तो एक भी जनता नहीं है। 100 की शुरुआत भी एक से होती है दोस्त। मेरी जनता मेरे पीछे नहीं, बैलेट बॉक्स के अंदर है। पेड़ की ताकत जड़ों में और जड़े भूमि में होती है। नदियाँ कितनी भी उछाल मार लें, लेकिन मिलती है समुद्र में। अगर वो नदी तो मैं समुद्र, अगर वो पेड़ तो मैं भूमि। मुझे लगता है ये फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखता है सर। आप लोग हमारे लिए तुरंत चले जाएं, हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। राज भाई, हाँ? जरा इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी। मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। पहले आप चाय तो पीजिए। आप यहाँ पर दो कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, इन्हें देखकर लग रहा है कि वीरभद्रपुर में कौन जीतेगा इस बात पर बहस छिड़ने वाली है। ये हमसे बहस करेगा? इन्हें प्रपोज कौन कर रहा है? हम कर रहा हूँ जी। यहाँ पे साइन कर दीजिए। साईराम। जो सपोर्ट करेंगे उसकी यहाँ एक साइन चाहिए। बाहर कौन है? यहाँ कोई नहीं है। क्यों रे झिंगा बाबू, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला तो नॉमिनेशन मिलेगा ही नहीं। मैं हूँ यहाँ। भैया एक मिनट, मैंने कहा था ना तुमसे कि 100 की भीड़ की शुरुआत एक से होती है, आज देख लिया ना। अगर एमएलए पद जीतना है तो सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है, पैसे लुटाने पड़ते हैं। तुमने पहले क्या कहा था? अब अपनी आंखों से देख रहा है ना क्या हो रहा है? मीडिया का फोकस अब मेरे ऊपर है और अब ये ही कंटिन्यू होगा। राज भाई, आगे की बात आप करें। अब फिर से कमर बांध लीजिए, इनको एमएलए बनाकर ही दम लूंगा। इतने सालों तक एक पीए एक लीडर के पीछे रहकर कैसे चलाता है तो तुमने देखा, अब आगे रहकर कैसे नेता को बनाता है ये मैं दिखाऊंगा। अपने मूछों पर ताव दीजिए। ये मूछें तो कम है ना? अरे ये तो फैशन है। फिर ठीक है। बोलिए सर, होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन? पॉलिटिकल लोन सर। पॉलिटिकल लोन हम नहीं देते हैं, 5 साल में जैसे कुर्सी बदलती है वैसे हम भी बदल जाते हैं। पर्सनल लोन की गारंटी कोई नहीं देता तो फिर हम कैसे दे दें? किसी एक चालक लड़के ने रवि यादव से राजीनामा लेकर वाई इलेक्शन भी करवा रहा है।
वो मैं ही हूँ सर। हाँ? तो वो लड़के सच में तुम ही हो? हाँ सर। आराम से बैठो बेटा, उससे तुम नहीं राजीनामा लिया। सुनो, सर को ठंडा लाओ। मुझे नहीं चाहिए सर। मैंने दारू नहीं मंगवाई बेटा। उसके राजीनामे से आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे? मैं लोन देते वक्त प्रॉपर्टी के अलावा पर्सन्स फेस नहीं देखता हूँ, ये मेरी आदत है। एक बार रवि यादव मेरी बैंक में आया था, मैंने मना किया तो कड़क जूतों से मारा। जूता हमारा भी टाइट है, कहिए तो उतार देते हैं। राज भाई, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे अर्जेंटली 60 लाख रुपए चाहिए। उसके बदले में प्रॉपर्टी क्या दोगे? और ना हो तो? कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। मेरे पास रवि यादव की साइन के अलावा और कुछ नहीं है। चलेगा, उसके ऑटोग्राफ को मैं स्वीट मेमोरीज में बदल दूंगा। बाहर वेट करो। राज भाई, इस हैप्पी मोमेंट पर हम एक मसाला चाय पिए। भूख लगी है, एक एक बिरयानी खा लेते हैं। भैया भैया भैया, इसे जरा भर दोगे क्या? कितना पैसा लिखना है? 956 रुपए है भाई, कल फैक्ट्री में पगार मिली थी, पूरे खर्च में से यही बचे हैं। पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करते हो? मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है भाई, छोटे भाई को पढ़ाऊंगा इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तुम छोटे तो हो लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। अब यहां साइन करो। सिर्फ यही नहीं सर, यहाँ के सारे बच्चे अंगूठा छाप है, स्कूल जाने के बजाय सब काम पर जाते हैं। आपके पास कोई काम हो तो बताइए भाई, मैं करूँगा। उसको बाद में देख लेना, पहले इस पर साइन कर दीजिए, मजे करो। वैसे ये 60 लाख खर्च कहाँ करोगे? हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? नल। तो बस उसे घुमा देते हैं। आहा। हाँ। मैं पेंट कर दूंगा भाई। अरे वाह राज भाई, अपने वाटर प्लांट की वजह से लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ अपने चुनाव का चिन्ह लोगों के दिल में बस जाएगा। बिल्कुल। देखो ना राज भाई। हाँ। क्या रे मुन्ना, तुम तो काफी टैलेंटेड निकले, थोड़ा सा सहारा मिलेगा तो तुम कहाँ पहुँच सकते हो? कहाँ जाऊंगा भैया, माँ बर्तन धोने जाती है, बाबा काम पर जाते हैं और मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है। जब तीनों काम करते हैं तो दो वक्त की रोटी नसीब होती है हमें। मेरी तरह मेरा भाई ना बने इसलिए उसे स्कूल भेजने के लिए मैं ऊपर का काम करता हूँ भाई। ये लो तुम्हारा खर्चा। दया मत दिखाओ भाई, कोई और काम हो तो बताइए, मैं करूंगा। मैं तुम्हारे काम की कीमत दे रहा हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत ऊंचा है। ये लो रख लो। तो फिर मैं इसे एडवांस समझ लेता हूँ भैया। अरे बाप रे, सारे पगार के पैसे खर्च कर दिए, क्यों खरीदे ये तूने? हाँ, ये पगार के पैसे नहीं है माँ, एक भैया ने एडवांस दिए थे। तो सारे पैसे भाई पर ही खर्च कर देगा क्या? डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तू? इतने से के लिए क्या डॉक्टर बुलाना, तुलसी चबा ले ठीक हो जाएगा। तालियां। अच्छे काम से शुरुआत की है, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। सर सब बढ़िया हो गया। इंदु, इसी जोश में जाकर मैं पब्लिक की राय जानकर आता हूँ। सर लेडीज बहुत शुभ होती है, इन्हीं से पूछिए। दीदी, इस बार इलेक्शन में वोट किसे देंगी? रवि यादव को जी। इन्होंने अभी तक हमारा पानी नहीं पिया। पीती तो भी उन्हीं को देती, उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। क्या इस रंगोली को? अरे भाई रुको रुको रुको। हाँ, इस इलेक्शन में तुम वोट किसे दोगे भाई? मैं रवि यादव को ही वोट दूंगा। अरे तुम भूल गए, मैंने इस गांव में वाटर प्लांट लगवाया है। रवि यादव ने मुझे यूथ लीडर बनाया है। हा? और मेरी दीदी की शादी पर भी आए थे वो। जा जा। ये क्या राज भाई, दीदी की शादी में जाओ तो वोट देते लोग? चल कर सर्वे। अरे सुनो बेटा, ये नल तुमने ही लगवाया है क्या? हाँ हाँ, इन्होंने ही लगवाया है। कहते हैं सभी दानों में अन्नदान महान होता है, 3 बार खाया जाने वाला अन्नदान महान है तो 30 बार पीने वाला जलदान कितना होगा। अरे वाह, एक्सप्रेशन बहुत मस्त था। सर पूछिए आप, रिएक्शन मैं लेता हूँ। हाँ, इस इलेक्शन में वोट किसे देंगे आप? और किसे देंगे, 1 एंड ओनली रवि यादव को। ये क्या दादाजी, आपने कहा जलदान महान है? मान्यता और भी महान होती है, हमारे फोर फादर्स, वी आर डेडिकेटेड टू रवि यादव फैमिलीज ओनली, हाउ कैन आई वोट फॉर यू? अरे लेकिन दादाजी। सॉरी बेटा, नॉट इंटरेस्टेड। ये क्या सर, ये तो ऐसे नॉट इंटरेस्टेड बोलकर जा रहा है जैसे होम लोन मांग रहे हैं, उपदेश भी दे गया। अरे बाप रे, यहाँ के सारे लोग ऐसे क्यों हैं? हम इनके लिए पानी लाते हैं और ये उनको वोट देने की बात करते हैं। और किसे देंगे? यादव जी को ही देंगे। तुझे कोई परेशानी है? यादव जी। बाबू, अब तक समझ नहीं आया,
इस एरिया में आरटीसी बस आए या ट्रेन आ जाए, मैं ही लेकर आया हूँ। लोग यही समझेंगे। आसमान में फ्लाइट उड़ता देख लोग समझते हैं रवि यादव ही लाया है। कुछ लोग हमसे डर कर वोट देते हैं, कुछ लोग हमको प्यार से वोट देते हैं, कुछ लोग हमको आदतन वोट देते हैं। तो कहीं और से आकर दो नल लगवा कर क्या उखाड़ लेगा वो देखो। बस भी ठीक टाइम पर आ गई। टिकट के लिए पैसे मैं देता हूं। जाओ बाबू, जल्दी जाओ। कोई चलने वाला है क्या? चलना है तो आ जाओ। बचपन में जब कबड्डी खेलता था तब मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, युद्ध में सामना किए बिना पीठ दिखाने वाले से ज्यादा सामना करके हारने वाला वीर होता है। मैं खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा। चलो जय हिंद। अगर तुझमें हिम्मत है तो लिख ले, अगर वीरभद्र में कोई जीतेगा तो वो सिर्फ मैं। चलता हूं। कुछ तो बात है उसमें। उसका कॉन्फिडेंस देखा, मेरे सामने बोल रहा था कि मैं जीतूंगा। पब्लिक पल्स का पता चल गया। काहे का पता चला उसे? उसकी पल्स क्या कहती है अभी जानकर आ रहा हूँ। ये देखिए सर, बाल्टी भर भर के पानी ले जा रहे हैं, लेकिन किसी ने झूठ भी नहीं बोला कि वोट आपको देंगे। हेलो मास्टर, मैं तुम्हें दिल से समझा रहा हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है। सही कहा राजभाई। हाँ। इन्हें पानी पिलाने से ये वोट नहीं देंगे, लेकिन क्या पिलाने से देंगे ये मैं समझ गया। क्या पिलाएंगे सर? अपोजिशन वाले हो ना, तुमको कहे बताएं? उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया वो कोई सस्ती सी दारू पिलाने वाला है। अगर हम महंगी वाली पिलाएं तो सब कुछ अपना हो जाएगा। पब्लिक को तो जैसे झुकाओ झुक जाती है। आप क्या कहते हैं सर? अच्छा है। अरे मेरा जीना दुश्वार हो गया है, लीवर बार बार मुझसे मांग रहा है, मुझ पे कृपा कर दे भाई। और पिएगा तो मर जाएगा, अभी अभी तेरी बीवी मरी है। वही तो बुलाना चाहता हूँ मैं। अरे यहाँ नहीं, वहाँ देखिए सर। हाँ? अरे आ गया गड्डी लेके। इनका पेट तो भरता ही नहीं है। अरे अब इनको बांटना बंद करो। अब देख तू इलेक्शन में क्या होता है, तेरे बैलेट बॉक्स के टुकड़े होंगे। सर आप यहाँ आराम से बैठकर गेम खेलते रहिए, वहाँ सारे नशेड़ी रवि यादव को वोट देंगे। अरे भले ही नशेड़ी उनको वोट दे दे, लेकिन माँ बच्चे और पत्नी उन सब के वोट हमें ही मिलेंगे। ऐसे कैसे होगा? दीदी इसमें क्या कैसा, पहले मुझे चाय पिला दो। राजभाई हाँ। कोई भी मर्द पी कर सबसे पहला काम क्या करता है? पत्नी पर हाथ उठाता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ गए? मतलब फिजिक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिए, आपको भी राजनीति आ ही गई। हिचकी आने पर पानी नहीं देना चाहिए, क्वार्टर देना चाहिए। सुबह से पी रहे हो, काफी नहीं है क्या? अपने सुहाग को जवाब देगी, शोहर को भी जवाब देगी, पति देव को भी जवाब देगी, धर्म पति को भी जवाब देगी क्या? काश ये मेरे नसीब में होता। तेरे नसीब में मैं हूँ ये कम है क्या? आज से समझ ले तू, चारों मैं ही हूँ तेरा। अगर हमारी बेटी पे हाथ उठाए ना तो गला काट देंगे। चुपचाप यहीं पड़ा रहे। दारू पिया मैं महाराज हूँ, जय दारू देव की। सुन बे, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? बाहर आकर देखिए, मोर्चा लेकर आई है सर। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले रवि यादव, पीए के साथ अन्याय करने वाला रवि यादव। तो, राजभाई आप कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे? आप चिंता मत कीजिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कल्याण बाबू। क्या है ये सब? लेडीज रेवोल्यूशन, तुमने जो दवाई बांटी थी ना, ये उसका रिएक्शन है। तुमने नशेड़ियों के वोट लेने के लिए उनको दारू पिलाई, अब उन्हीं नशेड़ियों की फैमिली मुझे वोट देने वाली है। क्यों बे, हमसे चीट करता है? देख भाई, गेम में रूल्स होते हैं और वॉर में रूल्स होते हैं, बट पॉलिटिक्स हैज नो रूल्स। एए, पीए मतलब क्लीन शेप करके, नीट कपड़े पहनकर, हाथ में फाइल्स पकड़कर, तू चाय पिए तो कप उठाकर, कार सुतरे तो डोर बंद करके, हाथ बांध कर खड़ा रहने वाला समझाए का? हम वैसे पीए नहीं। मैया इस स्ट्रोक के बाद उसका अगला स्टेप क्या होगा?
तुरंत वो सारे दारू वाले वैंस रुकवा देगा। रोज ओएच के ग्रुप के आदत वाले लोग, अरे मेरा मतलब है कि अल्कोहल वाले लोग, अगर उन्हें टाइम पर शराब नहीं मिली तो बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। केमिस्ट्री को भी पॉलिटिक्स में मिला दिया आपने, बिल्कुल सही कहा। अब देखिए रिएक्शन क्या होता है।